הוא תשיב להם. जितने भी लोग आए हुए हैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और मौलाना, पहले मौलाना के लिए बात कहूंगा, 11 साल इनकी जिंदगी के खा लिए हराम खोरों ने। इनके लिए कहूंगा कि कुछ ही होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। साल नहीं लौटाएंगे ये। और रही बात साहेब आलम मोदी जी की, पांच साल भी नहीं काट पाएंगे। घर खिलाफ है, घर खिलाफ है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। घर खिलाफ है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस शहर में सिर्फ हमारा मकान नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि जो करकरे साहब शहीद है, पहले तो उनके लिए तालियां बजाओ और प्लीज खड़े होकर बजाओ। मैं अपनों के लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीने वाला बहुत बड़ा हीरो होता है। और करकरे साहब इतने बड़े हीरो थे कि वो साध्वी जिनको बेगुनाह छोड़ दिया गया है उसे भी फांसी देनी चाहिए। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो उसको फांसी नहीं दे रहे, उसको बेगुनाह छोड़ दे रहे। लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक तादाद में निकलना है, बाहर लड़ना नहीं है, मारना भी नहीं है, सिर्फ तादाद दिखानी है। रोड पे खाली हाथ में जस्टिस का बोर्ड लेके निकलना है, बस तादाद दिखानी है। हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है, जो हम लोग नहीं करते हैं वक्त आने पर बस आदमी पीछे देखता है तो अकेला ही होता है। ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये बंद होगा, पठान साहब मुझे यहां बुलाए हैं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज में मुझे यहां बुलाया है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं। और तहसीन पूना वाला जो यूथ आइकॉन है पूना के लिए और हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे काम करते हैं, और हमारे पाटिल साहब जो बोले वो बहुत सच बोले, लगता है कि नहीं आपको? तो मैं सारे लोगों से यही कहूंगा कि अंजाम उसके हाथ है, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख और भीगे हुए परों से भी परवास करके देख। और यार देखो, मैं मोदी जी से और आरएसएस वालों से और सारी दुनिया में जो लोग समझते हैं कि हम मुसलमान सिर्फ टेररिस्ट हैं, उनसे मैं ये कह दूं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खान, इनकी भी बर्थडे मनानी चाहिए मोदी जी आपको। आप इनकी बर्थडे नहीं मनाते हो, इनके लिए ट्वीट नहीं करते हो, सबके लिए करो यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, हम सब है भाई भाई। ये ऊपर जो सूबे के ठेकेदार बैठे हैं ना, ये हम लोगों में आगे लगाते हैं। लेकिन अब नहीं, अब ज्यादा स्कूलें बढ़ गई, हम लोगों पर डिजिटल आ गया है, अब हम लोग लड़ेंगे नहीं, अब हम लोग मारेंगे। मैं ये भी कह देता हूं कि
इंसानियत सबसे पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो तुम कुरान को भी नहीं समझते हो। तर्जुमे के साथ कुरान अगर जो पढ़ेगा वो अपने शरीर पे बॉम्ब लगा के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह नहीं हो सकती। बस मैं यही कहना चाहूंगा यूथ से और पूना के लोगों से और हिंदुस्तान के सारे लोगों से कि ये जो सूबे के ठेकेदार हैं इनकी बातों में ना हो। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं और सबको सपोर्ट करो। और पूना में मुस्लिम फाउंडेशन जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ताली बजाओ इनके नाम पे। मुझे जाना है, आज मेरा बर्थडे भी है और आज मेरे से इतना अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरे से कि मैं करकरे साहब जिन्होंने हम जैसे लोगों के लिए जान दे दी, उनके लिए मैं थोड़ा वक्त निकाल पाया। अगर पूरा हिंदुस्तान उनके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल लेगा ना तो ये सातवीं अंदर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। और मैं आप लोगों से ये कह दूं, तुम लोगों का जो प्यार है ना, मैंने सरकार को चोर बोल दिया था, लेकिन ये कौन सी सरकार है? हिंदुस्तान पाकिस्तान किसकी सरकार? मुझे पुलिस ने बुला लिया, राज साहब ने भी ये किया था, मेरे पे केस कर दिया। मैंने बोला भाई अगर एक सेक्युलर कंट्री में अगर इंसान को अपने जज्बात को बयान करने का हक नहीं है तो डाल दो मुझे अंदर, लेकिन नहीं डाले। तुम्हारे जैसे फैन जिसके है, तुम लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है, इस प्यार के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। यार आज के दिन गाना फिर मैं वो गाऊंगा ये गाना और ये लाइंस सिर्फ करकरे साहब के लिए है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम पेट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। करकरे साहब आप जहां भी है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और इन्हें इंसाफ मिले। बस बेटा ये वो मौसम नहीं है, ये वो आलम नहीं है। यार भाई चुराऊं मैं प्यार, चुराऊं मैं नींद, चुराऊं मैं चैन, चुराऊं मैं चोरी चोरी पर नैन मिलाऊं, जो नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। भाई चोरी करो तो लोगों के दिलों की चोरी करो, क्योंकि राज इंसान से दिल पे कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, मेरा सलाम प्रणाम नमस्ते शास्त्रीय। मौलाना को सुने बिना जो भी गया मैं भी नहीं जाऊंगा। मौलाना को सुनो, 11 साल अपने जिंदगी के उन्होंने एक कोठरी में निकाल दिए और ये सूबे के ठेकेदार लोग उनको इंसाफ भी नहीं दे सके। बड़ी बड़ी बातें लड़ाते हो खाते हो, गरीबों को सताते, ऐसे लोगों को ऊपर वाले क्यों बनाते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब एजाज भाई।
हुई तकदीर भी रोशन सितारा हो तो ऐसा हो, हुई तकदीर भी रोशन सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। भाई तहसीन पुनावाला साहब से गुजारिश है कि वो उन्होंने इशारा किया कि मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आप कम से कम पांच मिनट से ज्यादा नहीं, प्लीज। तहसीन पुनावाला